नमस्कार, आप देख रहे हैं जी राजस्थान। आपके साथ मैं हूं सुमित चौधरी। जिला परिषद और पंचायत समिति सदस्यों के लिए दूसरे चरण का आज मतदान होना है। 25 लाख से ज्यादा मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर सकेंगे। लगभग 5000 ईवीएम से चुनाव करवाया जाएगा। सुबह 7:30 बजे से शाम 5:30 बजे तक मतदान होगा। 28 पंचायत समितियों के लिए 1680 उम्मीदवार चुनावी मैदान में अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। 10 उम्मीदवार पहले ही निर्विरोध चुन लिए गए हैं। आयुक्त पीएस मेहरा ने बताया है कि पहले चरण में 62% से ज्यादा मतदाताओं ने लोकतंत्र के इस महोत्सव में भागीदारी दिखाई है। उन्होंने मतदाताओं से पूरे उत्साह और कोरोना के दिशा निर्देशों की पालना के साथ मतदान करने की अपील की है। उन्होंने कहा है कि मतदाता बिना किसी प्रलोभन, लालच और दबाव के भयमुक्त होकर मतदान करें। चुनाव आयुक्त ने बताया है कि जयपुर, जोधपुर, भरतपुर, सवाई माधोपुर, दौसा और सिरोही की 28 पंचायत समितियों के 536 सदस्यों और उनसे जुड़े जिला परिषद सदस्यों के लिए मतदान करवाया जाएगा। तो दूसरे चरण का पंचायती राज का चुनाव जिसे लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। दूसरे चरण के लिए आज मतदान होना है। सुबह 7:30 बजे से वोटिंग जो है वो शुरू हो जाएगी। शाम 5:30 बजे तक मतदाता अपने मत का प्रयोग कर पाएंगे। प्रदीप सोनी जी मीडिया संवाददाता खबर पर जानकारी के साथ सीधा हमारे साथ जुड़ रहे हैं। प्रदीप, क्या कुछ तैयारियां हैं आज के लिए? जयपुर जिले की 8 पंचायत समितियों में चुनाव होने जा रहा है, जहां 148 वार्ड बनाए गए हैं। कुल 393 प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला 8,10,746 मतदाता करेंगे। मैं बता दूं कि जयपुर जिले की सबसे बड़ी पंचायत समिति है गोविंदगढ़, जहां 31 सीटों पर चुनाव होने जा रहा है। फिलहाल सुमित, मैं खड़ा हूं सामोद कस्बे में, जहां चुनाव की तैयारियां की जा रही है। मॉक पोल किया जा रहा है। 7:30 बजे से मतदान शुरू होगा। तमाम व्यवस्थाएं प्रशासन ने पूरी कर ली हैं। पुलिस का जो जाप्ता है वह तैनात किया गया है। पूरी पंचायत समिति की बात की जाए तो 1050 पुलिस कर्मियों के साथ ये चुनाव संपन्न करवाया जाएगा, जिनको सुरक्षा की जिम्मेदारी दी गई है। साथ ही 4 उपाधीक्षक स्तर के पुलिस अधिकारी लगाए गए हैं। इसके अलावा 23 मजिस्ट्रेट लगाए गए हैं जो सुपरविजन कर रहे हैं इस चुनाव का। साथ ही यह चुनाव इसलिए रोचक हो जाता है इस बार कि भाजपा और कांग्रेस के अलावा आरएलपी के 16 प्रत्याशी भी चुनाव मैदान में हैं। दूसरी तरफ देखी जाए तो यहाँ पूर्व विधायक रहे रामेश्वर यादव के पुत्र नरेंद्र कुमार, जो निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में टाल ठोक रहे हैं। हालांकि उन्हें कांग्रेस का सिंबल मिला था, लेकिन पिता की जाति अलग भर दिए जाने के कारण से वह रिजेक्ट हो गया था। और साथ ही उन्होंने निर्दलीय नामांकन दाखिल किया था, उसी के आधार पर वे अब चुनावी मैदान में टाल ठोक रहे हैं। दोनों ही पार्टियों के जो नेता हैं, भले ही भाजपा के प्रवक्ता हैं रामलाल शर्मा, उनकी साख दांव पर लगी है, तो दूसरी तरफ पूर्व विधायक भगवान साय सैनी की साख दांव पर है। तो वहीं अब 7:30 बजे जब मतदाता इस बूथ पर पहुंचेंगे, अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे, यानी लोकतंत्र का जो महोत्सव है इसमें अपनी आहुति देंगे। सामोद कस्बे की यदि बात की जावे तो यहाँ सुरक्षा और शांति के लिहाज से पुलिस का जाप्ता मौजूद है। जी सुमित, आज किस तरीके का उत्साह जो है वो नजर आ रहा है, क्योंकि कल जिस तरीके से तमाम तैयारियां जो है की गई थी आज के रण के लिए, तमाम जो स्थितियां हैं उन्हें संभालने के लिए किस तरीके से अधिकारियों ने जो है अपनी तैयारियां की हैं, और लोगों का जो रुझान है वो कितना नजर आ रहा है? देखिए सुमित, अभी 7:30 बजे से मतदान की प्रक्रिया शुरू होगी। पहले मॉक पोल होगा, मॉक पोल के तत्पश्चात 7:30 बजे से ये चुनाव प्रक्रिया शुरू होगी। साथ ही जो मतदाता हैं वे मतदान बूथ तक पहुंचेंगे। हालांकि मतदान बूथ के बाहर फिलहाल मतदाता पहुंच रहे हैं, क्योंकि सुबह सुबह का वक्त है, घर में बहुत सारे काम होते हैं। जैसे ही अपने कामकाज खत्म होंगे मतदाता मतदान बूथ तक पहुंचेंगे और इस लोकतंत्र की तस्वीर को और खूबसूरत बनाने की कोशिश करेंगे। सुमित, ये भी जाएंगे प्रदीप, कोई आसपास आपके अधिकारी हो उनसे भी आप बात करने की कोशिश करें कि उन्होंने आज के लिए क्या कुछ तैयारियां की हैं, क्या कुछ खास उन्होंने किया है, और साथ ही साथ जो कोरोना प्रोटोकॉल्स हैं उनकी पालना हो उसे किस तरीके सुनिश्चित किया जाएगा।
हाँ देखिए सुमित, कोरोना के बीच में यह चुनाव होना अपने आप के लिए प्रशासन के सामने एक चुनौती है। सोशल डिस्टेंस का बड़ा ख्याल रखा गया है, सोशल डिस्टेंस के लिए गोले बनाए गए हैं कि एक एक व्यक्ति अपनी बारी का इंतजार करे, किसी भी तरह से कोरोना गाइडलाइन का उल्लंघन नहीं हो, इसका खासा ख्याल रखा गया है। प्रत्येक मतदान बूथ पर कोरोना को लेकर खासी इंतजाम किए गए हैं। जो रिटर्निंग अधिकारी हैं राहुल जैन, वे इस पर मॉनिटरिंग कर रहे हैं कि कहीं किसी भी तरह से कोई अव्यवस्था नहीं हो। साथ ही जो ईवीएम मशीन रखने का सिस्टम बनाया है, वो चार जगह ऐसा सेट किया गया है कि किसी भी तरह से महज कोई भी ईवीएम में अगर तकनीकी खामी आती है तो 15 मिनट के भीतर भीतर वह ईवीएम उस बूथ तक पहुंचाई जा सकती है। इसलिए प्रशासन ने जो व्यवस्थाएं की है वे माकूल है कि जिस तरीके से कई बार ईवीएम में कोई तकनीकी खामी आती है तो वक्त लगता है, ऐसा वक्त खराब ना हो, साथ ही चुनाव शांति तरीके से निष्पादित हो। जी सुमित, चलिए बहुत शुक्रिया अपडेट के लिए, आपके पास आते रहेंगे प्रदीप। और आज जिस तरीके से पंचायत का ये रण है और साथ ही साथ तैयारियां एक तरफ जहां प्रशासन ने कर ली हैं, जिम्मेदारी आम जनता पर भी है कि अपने मत का वो प्रयोग करें।